आ रही है कैसे मैं चपाटी आप सभी लोग। तो चपाटी आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट 4 मंथ। तो आप लोग अपने सिलेबस को क्लास 10 के इंटायर सिलेबस को 4 मंथ में किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो चलिए यार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट आप लोगों के पास होते हैं क्लास 10th में। तो यू हैव 5 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10, ठीक है। मेजरली आज बात करने वाले हम लोग अपने 3 सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि होता है मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। ये हमारे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, हिंदी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर तुम अपने स्कूल वालों के साथ कंटिन्यू करोगे इन सब्जेक्ट्स को तब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। बट ये जो 3 मेजरली बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इन सब्जेक्ट्स के। अगर मैं बात करती हूँ यार, हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। जनरली मैंने इतने साल से पढ़ा है तो मुझे एक्सपीरियंस है। सबसे पहली वो जिन्होंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, वैकेशन का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। कैटेगरी नंबर 2, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ना स्टार्ट किया था, एक या दो चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। कैटेगरी नंबर थ्री जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, नॉट स्टार्टेड येट एनीथिंग। अब उन लोग को पता चलेगा जब जैसे स्कूल खुलेगी तब वो लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा या ज्यादा, उन सभी बच्चों में एक सवाल आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है उसमें से आप लोगों को कॉन्फिडेंटली सारी चीजें याद है या फिर आती है? तो आप सोचते होंगे कि दीदी ये कैसा सवाल हुआ कि हमें याद है, कॉन्फिडेंटली आती है। मतलब ये है कि अगर मैं अभी जिस टाइम पे तुम वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर मैं अगर तुम्हें एनसीईआरटी में से कोई भी सवाल उठा के दे दूं जो चैप्टर तुमने पढ़ा है, तो क्या तुम एबल हो सॉल्व करने के? क्या तुम अभी सॉल्व कर सकते हो? ये जवाब तुम लोग को अपने आप से खुद से पूछना है। क्या यार मुझे अभी कोई भी सवाल एनसीईआरटी का अगर दे दिया जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ? यस और नो, ऐसे इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और ऑन द अदर एंड अगर तुम्हारा जवाब नहीं है कि यार अभी अगर कोई सवाल मुझे उठा के दे दे तो नहीं दीदी मुझे रिविजन करना पड़ेगा, यार मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नो है, तुम लोग को वो चैप्टर वापस से पढ़ना होगा, ठीक है। अब तुम बात कर रहे हो कि यार दीदी क्या बात कर रहे हो, वापस हमें वो चैप्टर पढ़ना होगा, इसका मतलब वापस से इतनी सारी मेहनत पढ़ तो रखा है यार। अभी एक काम करते पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्या करेंगे जो चैप्टर्स थोड़े थोड़े कम याद है ना उसको बाद में रिवाइज करें। बेटा यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। ये ब्लंडर एक ऐसा ब्लंडर है ना कि जब बच्चे 6-6 बार या 5-5 बार रिविजन कर रहे होंगे ना, जब तुम उस चैप्टर को वापस से पढ़ने का सोच रहे हैं तो ऐसी चीजें मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चैप्टर में मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको एक बार वापस से पढ़ने की कोशिश करो। चलो यार इसके लिए सबसे अच्छा मेरे पास एक तरीका है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यार यही तुम्हारा फाउंडेशन है जो तुम लोग को आगे IIT एम्स तक पहुंचा के रहेगा। अगर क्लास 10th तक तुम्हारा फाउंडेशन 9th-10th की क्लियर नहीं है ना तो तुम लोग ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे, ठीक है, वो तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है जिससे कि तुम लोग बिल्कुल 4 महीने में अपने सिलेबस को खत्म कर रहे हो। बात करते कैसे पढ़ना है तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि यार क्लास 9th-10th में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी, नहीं तो क्या अगर तुमने यहाँ रट लिया ना तो क्लास 11th-12th में बहुत मुश्किल आएगा और आगे तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम लोग बिल्कुल फंस जाओगे। दीदी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, बात यहाँ आती है ना कि दीदी हमें स्कूल्स में हम टीचर से पूछते नहीं है या फिर हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सके या हमें समझ में नहीं आता। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ नीव बैच फॉर क्लास 9th एंड उड़ान बैच फॉर क्लास 10th। ये क्या है दीदी, नीव बैच फॉर क्लास 9th, इसमें आप लोग को बच्चा पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा क्लास 9 का, एंड साथ ही साथ आप लोग का मेजरली फोकस भी किया जाएगा आप लोग के ओलंपियाड्स पर। उड़ान बैच फॉर क्लास 10, आप लोग का इसमें कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th का पढ़ाया जाएगा, आप लोग को बोर्ड्स में बताया जाएगा क्या क्या चीजें आती है और वो भी एक बहुत ही ज्यादा नॉमिनल अमाउंट है। अगर मैं दोनों बैचेस के अमाउंट की बात करूं तो ये दोनों बैचेस का अमाउंट पहले था हमारा 2300, ठीक है, 2300 रुपए का अमाउंट था, बट नाउअडेज ये अमाउंट और ज्यादा रिड्यूस हो गया, हो चुका है 1900 में। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास 9th और 10th में किसी बैच में इनरोल करना, नीव और उड़ान से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इस अफोर्डेबल दाम में आप लोगों को कहीं भी नहीं मिल सकती है, इसकी तो गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर बच्चा पार्टी आप लोगों को इस बैचेस में इनरोल करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है। आप लोग की 5 डेज पूरी क्लास लगेगी, साथ ही साथ आप लोग को असाइनमेंट प्लस होमवर्क प्लस वर्कशीट दिए जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग के टेस्ट ऑन टाइम करवाए जाएंगे, आप लोग की वीकली टेस्ट कंडक्ट होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ मिल रही होगी। आप लोग की मेजरली यहाँ पर सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे जो की आप लोग का सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और आप लोग का मैथ। मैं बताऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग इस मौके को ना गवाए। तो IIT और एम्स में जाने के लिए हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगा, इस तरीके से आप लोग आपके फाउंडेशन को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। आज ही आप लोग नीट और उड़ान बैच में इनरोल कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अरे अरे रुको, एक और चीज, अगर आप लोग चाहते हो इतने कम अमाउंट पर मतलब 1900 पर भी आप लोगों को कोई डिस्काउंट मिले तो मेरा कोड लगा लेना SAK150, जिससे कि तुम्हारी दीदी का मतलब मेरी फैमिली के लिए, ड्रीम्स लर्निंग फैमिली के लिए, जिससे कि तुम लोग को 150 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट और ज्यादा मिल जाए। चलो चलो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लेना।
बात करते हैं आप लोग के टाइम टेबल की, किस टाइम टेबल को फॉलो करना है जिससे कि आप लोग का सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट हो रहा हो। मैं मान के चल रही हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, अगर तुम लोगों ने 1 चैप्टर पढ़ा है तब भी मुझे बता देना, ठीक है, तुम उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को। अब मान लेती हूँ मैंने साइंस में 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो मुझे लिखना है वो चैप्टर्स को जो मुझे नहीं आते अभी, ठीक है, जो मेरे रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर नंबर 3 मैंने नहीं पढ़ा है, 4 नहीं पढ़ा है, 5 नहीं पढ़ा है, इस तरीके से तुम लोग सारी मतलब क्या कर सकते हो चैप्टर्स के नाम लिख सकते हो। इस तरीके से मैथ्स का भी आप लोग को सेम टाइम टेबल बना लेते हैं। और एसएसटी का, एसएसटी में आप लोग के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे होता है सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, तो आप लोग को लिखना है कि मुझे सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 से कंटिन्यू करना है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री में चैप्टर 2 से, ज्योग्राफी में चैप्टर 3 से और इको में चैप्टर 2 से। इससे क्या होगा बच्चा, इससे तुम लोग अपने दिमाग में एक टारगेट लेके चलोगे कि मुझे क्या करना है, ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 और मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, इन दोनों चैप्टर्स को मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। जैसे अगर बात करें हम लोग को 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो जैसे मेरे पास है ये डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3। अब तुम लोग बहुत सारे लोग क्या करोगे कि ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 को डे नंबर 1 में कंप्लीट करने की कोशिश करो, बस वही ब्लंडर है कि तुमने सोचा कि ये वाला चैप्टर को इस दिन कंप्लीट कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का ये चैप्टर है इसको सेकंड डे कंप्लीट कर लूंगा और तीसरे दिन दोनों का रिविजन लगा लूंगा। यही करेंगे बहुत सारे बच्चे, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ही है। पता है क्या होता है कि हम एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि तुम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलो। इसका क्या मतलब है, जैसे डे 1, डे 2 और डे 3, तो डे 1 में तुमने आधा चैप्टर साइंस का पढ़ा चैप्टर नंबर 3 और आधा तुमने मैथ्स का चैप्टर पढ़ लिया ये वाला चैप्टर नंबर 2। देखो यार, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ पूरे दिन कि तुम लोग को पूरे दिन ही बास्केटबॉल खेलना है या पूरे दिन ही क्रिकेट खेलना है तो शायद तुम बोर हो जाओगे, बट मैं बोल दूँ तुम्हें 2 गेम्स पसंद है कि तुम्हें आधा दिन क्रिकेट खेलना है और आधा दिन तुम्हारा जो भी हॉकी या जो भी कोई अच्छा गेम होगा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना है, या फिर खाना खाना या घूमने जाना है, तो शायद तुम्हारा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो इसी तरीके से तुम लोग पैरेलली दोनों चैप्टर्स को लेकर चलो, जिससे कि तुम्हारे 2 या 3 दिन में पर्टिकुलर 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएंगे। और आप लोग किसी भी चैप्टर को जब कंप्लीट कर रहे हो ना, तो सिर्फ उसको 1 शॉट से कंप्लीट मत करो या सिर्फ पढ़ के कंप्लीट मत करो, उसके प्रॉपरली सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सॉल्व करो यार बच्चा पार्टी, और जितने भी आप लोग के क्वेश्चन है आप लोग को वो सॉल्व जरूर करना है, बैक एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है। अब सोर्स मैंने बता दिया कि आप लोग को कहां से पढ़ना है, कोई बच्चे दूसरे कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बस इसी तरीके से टाइम टेबल बनाना है। जैसे ही आप लोग का जैसे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है तो इस तरीके से उसको कैंसिल कर दो, कट कर दो, जिसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा कैंसिल कर दो। ये कैंसिल जब तुम करोगे ना तो तुम्हें अंदर से एक नई खुशी आने लग जाएगी, यार मैंने इतना सब कुछ कर रखा है और मेरे सिर्फ इतना सा टारगेट और बचा है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा बूस्टर एनर्जी आ जाएगी कि जिससे यार तुम लोग और जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे। एक और चीज याद रखना, हमें सिर्फ चीजों को फिनिश नहीं करना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आगे हमें काफी दिक्कत दे जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। चलिए, आई होप यू लाइक माय वीडियो, और अगर आप लोगों को चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीनारी साइनिंग ऑफ।